ज हाउल्ट्रेशन सेन ठीक है अच्छा इलेस्ट्रेशन था आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं नाउ लुक एट इलेट्रेशन एटीन इलेस्ट्रेशन एटीन में आपको स्टॉक भी दे रखा है ओपनिंग डेट का क्राइटर भी दे रखे हैं ओपनिंग डेट के अमाउंट पेड है क्लोजिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग uh, क्राइटर भी है तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन एटीन जो है बिल्कुल इलेस्ट्रेशन सेवनटीन जैसा ही है अमाउंट पेड में ओपनिंग स्टॉक प्लस करिएगा या बल्कि अब मैं कहूँगा तो पहले क्राइटर के ट्रीटमेंट को करिएगा बेशक देखिए क्रेडिट पर अभी काम नहीं आ रही है बट इट इज़ वेरी यूजफुल कब यूजफुल है आपको जल्दी सुन में आ जाएगा तो अमाउंट पेड में पहले क्राइटर का ट्रीटमेंट कर लीजिएगा जैसे अमाउंट पेड एक लाख आठ हज़ार दे रखे हैं क्राइटर ओपनिंग भी है क्राइटर क्लोजिंग भी है तेरह हज़ार क्लोजिंग है और बीस ओपनिंग है तो तेरह प्लस बीस माइनस यानी सात माइनस हो जाएगा तो कुल मिला के एक लाख एक हज़ार परचेज आ जाएगी फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस करिएगा जो कि तीस हज़ार है तो एक लाख इकतीस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना जो कि पाँच है तो एक लाख छब्बीस हज़ार आ जाएगा ये आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड होगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा और क्रेडिटर्स लैबिलिटी साइड स्टॉक एसेट साइड ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में ठीक है बच्चों तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन एटीन भी कम्पलीट हो गया नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर नाइनटीन उस पर भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए आपको इसमें कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स लिमिटेड क्लब फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेट का दिया हुआ है क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों डेट के दिए हुए हैं और नीचे लिखा है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर ध्यान रखिएगा इलेट्रेशन नाइनटीन में स्टेशनरी परचेज लिखा है और सिर्फ परचेज का मतलब टोटल ही होता है नॉट ओनली कैश परचेज और क्रेडिट परचेज तो सिर्फ परचेज का मतलब टोटल परचेजेज ही होता है जब टोटल परचेजेज और स्टेशनरी गिवन है आपको तो क्राइटर्स को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि परचेज निकालते समय क्राइटर का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा तो देर इज़ नो नीड फॉर फर्दर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द क्राइटर्स क्राइटर को फर्दर एड और सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यानी कि आपको कंज्यूम निकालना है तो इसी परचेज में जो आपको स्टेशनरी परचेज दे रखा है ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए एडवांस तो वैसे भी नहीं था लेकिन अगर एडवांस भी दे रखा होता तो भी उन्हें भी इग्नोर कर दिया जाता क्योंकि क्राइटर्स और एडवांस दोनों का ट्रीटमेंट हो चुका होता है जब आपको परचेजें निकल कर आती हैं तो ठीक है तो आपको नीचे परचेज दे रखी थी चार लाख सत्तर हजार चार लाख सत्तर हजार में ओपनिंग स्टॉक जो कि इस क्वेश्चन में है अस्सी हज़ार और क्लोजिंग स्टॉक जो कि है साठ हजार अस्सी प्लस कर दीजिए साठ माइनस कर दीजिए कुल मिला के बीस प्लस कर दीजिए चार लाख नब्बे हज़ार आ जाएगा जो कंज्यूम्ड है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड में आएगा स्टॉक आपको पता ही है बैलेंस शीट में आते हैं ओपनिंग वाला ओपनिंग में क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में एजेट साइड परचेज़ खुद कहीं नहीं आएगा बाकी क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट में तो लिख ही सकते हैं एटलीस्ट आप क्योंकि आपसे फिलहाल स्टेटमेंट में उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ लेकिन क्राइटर एक लाइबिलिटीज है तो ओपनिंग वाले ओपनिंग की लाइबिलिटी में क्लोजिंग वाले क्लोजिंग की लाइबिलिटी में डाल दीजिएगा ठीक है बच्चों तो दिस इज इलस्ट्रेशन नाइनटीन एंड डैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते और क्राइटर का ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं जबकि परचेज गिवन है क्वेश्चन में कम टू इलेट्रेशन ट्वेंटी बच्चों इलेस्ट्रेशन ट्वेंटी में आपको एक चैरिटेबल हॉस्टिबल दे रखा है जिसका नाम है पुण्य ट्रस्ट उसमें कहा गया कि आप ये जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनसे कैसे डील करेंगे ठीक है आपको स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे, दे रखे हैं एडवांस ओपनिंग एंड का भी है और बिगनिंग का भी है अमाउंट पेड आपको दिया हुआ है आप जानते हैं बच्चों मैंने आपको कहा था अमाउंट पेड से शुरुआत करिएगा फिर मेरी सी ए एस अप्रोच पर आ जाइए वापस सी फॉर क्राइटर ए फॉर एडवांस एस फॉर स्टॉक क्राइटर में उल्टा चलना है इससे तो स्टार्ट करेंगे आप ध्यान रखिएगा क्राइटर में ओपनिंग माइनस करते हैं क्लोजिंग प्लस करते हैं एडवांस में सीधा चलते हैं यानी ओपनिंग प्लस करना है क्लोजिंग माइनस करना है इतना काम कर लीजिएगा उससे आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएगी जिसको आप टोटल परचेज कह सकते हैं बिकॉज इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको वो नहीं दे रखा ठीक है बेटा टोटल इसको आप रेड परचेज और टोटल परचेज भी कह सकते हैं इसलिए आप यहाँ पर अब उसके बाद स्टॉक का ट्रीटमेंट कर लीजिए स्टॉक में ओपनिंग प्लस कर दीजिएगा क्लोजिंग माइनस कर दीजिएगा तो इससे आपका स्टेशनरी कंज्यूम निकल आएगा स्टेशनरी या मेडिसिन है ये ठीक है कंज्यूम निकल आएगा जो इनकम एंड इन एक्सपेंडिचर में आप जानते ही हैं कहाँ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड ठीक है बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड जाएगा और क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटीज़ स्टॉक एडवांस आपका एसेट और स्टॉक भी आपका एसेट मैं हमेशा इसी अप्रोच को फॉलो करता हूँ इसमें मैं हमेशा परचेजेस निकालता हूँ क्रेडिट परचेजेस टोटल परचेज ही मान लिया जाता है अगर कैश परचेज ना हो तो ठीक है और फिर मैं कंज्यूम निकालता हूँ किताब में ऐसा नहीं दे रखा है किताब में कभी कभार वो क्रेडिट परचेज निकाल देते हैं कभी नहीं निकालते हैं कभी डायरेक्ट कंज्यूम निकाल देते हैं अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करिए एक इसका बेनिफिट आपने इलेस्ट्रेशन नाइनटीन में देखा था दूसरा बेनिफिट आप जो देखेंगे वो इलेस्ट्रेशन ट्वेंटी में देख सॉरी अभी आने वाला इलस्ट्रेशन ट्वेंटी उसमें देखेंगे ठीक है बच्चों नाउ कम टू इलेट्रेशन नंबर ट्वेंटी वन इलस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी वन की बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन ट्वेंटी वन किस तरह का है देखिए इलस्ट्रेशन ट्वेंटी वन में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं और स्टॉक दे रखा है ठीक है बच्चों और नीचे अमाउंट पेड भी दे रखा है और साथ के साथ कैश परचेज और स्टेज भी दे रखा है जो कि ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल परचेजेस है तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट परचेजेज निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि कैश परचेजेज आपको एक तो परसेंटेज में दे रखी हैं और उसको रुपीज में निकालना है तो यू शुड नो कि क्रेडिट परचेजेस कितनी हैं यहाँ पर मेरी बात पक्का काम आएगी आपको स्टार्ट करिए अमाउंट पेड से जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड उसमें क्राइटर्स का आपको पता ही है एडवांस इसमें है नहीं ओपनिंग माइनस करना है क्लोजिंग प्लस करना है तो प्लस क्लोजिंग क्राइटर्स माइनस ओपनिंग क्राइटर्स क्राइटर का क्लोजिंग है एलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड और ओपनिंग है फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यह आ जाएगा सिक्सटी एट सिक्स हंड्रेड माइनस फोर्टी सिक्स हंड्रेड डेट इज सिक्सटी फोर थाउजेंड ये आपकी आ गई क्रेडिट परचेजेस अब कैश परचेजेस जो है उन्होंने कहा था कि वो टोटल परचेजेस का ट्वेंटी परसेंट है तो टोटल परचेज अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो कैश परचेज़ हो जाएगी एक्स बाय फाइव और एक्स माइनस एक्स बाय फाइव इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज जो कि सिक्सटी फोर थाउजेंड है इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा एट्टी थाउज़ेंड और एक्स बाई फाइव आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड यानी कैश परचेज सिक्सटीन थाउजेंड है सिंपल सी बात थी बेटा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है सिंपल मैथ्स है कैश परचेज प्लस करिए सिक्सटीन थाउजेंड ये आ गया एट्टी थाउजेंड टोटल परचेजेस अब स्टॉक का ट्रीटमेंट कर लीजिए स्टॉक में ओपनिंग प्लस करते हैं आप जानते ही हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं ठीक है बच्चों तो आप इसमें क्या करेंगे बच्चों कि ओपनिंग स्टॉक है पंद्रह हजार वो प्लस कर दीजिए और तीस चार सौ क्लोजिंग स्टॉक इसे माइनस कर दीजिए नाइन्टी फाइव में थर्टी गए तो सिक्सटी फाइव फोर हंड्रेड गए तो सिक्सटी फोर सिक्स हंड्रेड आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गया स्टेशनरी है या हाँ स्टेशनरी ही है इस बार कंज्यूम्ड आ गया बच्चों कंज्यूम्ड हम जानते ही हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है एक्सपेंडिचर साइड स्टॉक आपको पता ही है एसेट में जाते हैं ठीक है परचेजेस कहीं मत डालिएगा कैश परचेज रिसेंट पेमेंट अकाउंट में आपको पेमेंट साइड मिला करेगा क्रेडर आपको लाइबिलिटीज में मिला करेंगे ये रिसिडेंट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में ही होगा ठीक है बच्चों एंड वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्स्टेशन इज ट्वेंटी वन नाउ कम टू इलेक्स्टेशन ट्वेंटी टू डिस्कस करके ही काम चल जाएगा ट्वेंटी टू का तो आपको ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट दे रखी है अंदर स्टॉक है और क्राइटर है तो वो ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग क्राइटर हो गए रिसिडेंट पेमें पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड लिखा है बाय स्पोर्ट्स मटेरियल तो वो अमाउंट पेड हो गया ध्यान रखिएगा और नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो मेरी सी एस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्रेडर का ट्रीटमेंट पहले करना है आपको और क्रेडर सिर्फ ओपनिंग डेट के दे रखे हैं जो माइनस हो जाते हैं तो अट्ठाईस लाख में से एक बीच माइनस कर दीजिए छब्बीस लाख अस्सी हज़ार आपकी क्रेडिट परचेज आ गई फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए जो कि एक लाख साठ हज़ार है तो छब्बीस अस्सी प्लस एक साठ होता है अट्ठाईस चालीस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिएगा चार चालीस तो उससे चौबीस लाख ,00 रुपये आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा जो कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दिया जाएगा बस और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस में क्राइटर है ही नहीं एडवांस है ही नहीं तो इस तरह से बच्चों इलेस्ट्रेशन ट्वेंटी टू भी कम्प्लीट हो गया अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन ट्वेंटी थ्री की बेटा बच्चों बहुत ही डायरेक्ट इलस्ट्रेशन है अमाउंट पेड आपको अच्छा इसमें तो आपको इलस्ट्रेशन ही नहीं बचा बच्चों सॉरी तो हमारा इस तरह से इलस्ट्रेशन ट्वेंटी टू भी कम्प्लीट हो गया एंड आई होप कि अब आप जो हैं उसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो क्वेश्चन ट्राई करिएगा क्वेश्चन ट्राई करके जो एक्सरसाइज वाले ठीक है वैसे तो मैंने वो सारे क्वेश्चन अपने पहले भी यूट्यूब पे डाले हुए हैं लेकिन आप जो है इन क्वेश्चंस को करिएगा और मेरे जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी जो है कंज्यूमर आइटम्स एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड आई होप मेरे वीडियोज़ आपको काफ़ी हेल्प करेंगे In solving your problems or sums related to accountancy. Thank you, Bacho.